नमस्कार, मैं शुभानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन कॉलेजों के शिक्षक के घर सरकार ने भेजी खुशी। पटना बक्सर फोर लेन पर जल्द शुरू होगा आवागमन। पितृपक्ष मेले के दौरान गया जंक्शन पर रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल। ऑपरेशन चंदा में निपट गई बिहार की नौपाटियां। मुंबई इंडियंस ने जहीर खान और महेला जयवर्धने को दी ये बड़ी भूमिका। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इन कॉलेजों के शिक्षक के घर सरकार ने भेजी खुशी। शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों के लिए 9 करोड़ 36 लाख से अधिक की अनुदान राशि जारी की है। इस अनुदान राशि से शिक्षकों के वेतन दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस आशय का औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्थापना मद से राशि जारी की है। शिक्षा विभाग की तरफ से मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध वित्त रहित कॉलेजों को करीब 4 करोड़ 76 लाख, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 67 लाख से अधिक, बीएन मंडल विश्वविद्यालय को 1 करोड़ 27 लाख से अधिक और तिलका मांझी विश्वविद्यालय को 2 करोड़ 65 लाख से अधिक राशि दी गई है। अब घर बैठे कर सकेंगे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की बुकिंग। पटना के गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की बुकिंग अब ऑनलाइन भी होगी, साथ ही इसके लिए वेबसाइट भी बनाई जाएगी। ऐसा होने के बाद प्रदेश के लोगों को घर बैठे बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें पटना नहीं आना पड़ेगा। दरअसल बीते दिन पटना प्रमंडल के आयुक्त सह श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति शासी निकाय के अध्यक्ष कुमार रवि की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। आयुक्त ने जल्द से जल्द श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए NIC की मदद से वेबसाइट बनाने और गांधी मैदान की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पटना बक्सर फोर लाइन पर जल्द शुरू होगा आवागमन। बिहार में सड़कों के जाल बिछाने से बिहार वासियों को एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार में एक और फोर लेन पर जल्द ही आवागमन की शुरुआत होने जा रही है। पटना भोजपुर बक्सर फोर लेन पर दिसंबर 2022 से आवागमन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस सड़क में कोइलवर से भोजपुर और भोजपुर से बक्सर करीब 91.75 किलोमीटर लंबाई में सड़क का काम करीब 90% पूरा हो चुका है। पटना भोजपुर बक्सर फोर लेन सड़क बनने का सीधा फायदा तीनों जिलों के लोगों को मिलेगा। इस सड़क के बनने से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार पर्यटन आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। मद्य निषेध विभाग की रिपोर्ट में 90% से अधिक अंग्रेजी शराब नकली। शराबबंदी वाले बिहार में ब्रांडेड बोतलों की पैकिंग में नकली शराब बिक रहा है, इसका खुलासा मद्य निषेध विभाग ने किया है। दरअसल मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसका खुलासा केमिकल लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद की है, जिसमें बताया गया है कि 90% से अधिक अंग्रेजी शराब नकली है। असली दिखाने के लिए इन शराब में अल्कोहल का स्तर तो किसी तरह व्यवस्थित कर दिया जाता है, लेकिन शुद्धता नहीं होने से यह स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक खतरनाक हो जाता है। मद्य निषेध विभाग ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि डिस्टिल्ड वाटर की जगह कुएं या नल का पानी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में यह शराब मानक पर आधारित नहीं होने से स्वास्थ्य के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। गया जंक्शन पर रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, इस दौरान देश विदेश के लोग भारी संख्या में गया पहुंचकर अपने पितरों के लिए पिंड दान कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इनकी सुरक्षा को लेकर हर जरूरी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है। इसी कड़ी में पितृपक्ष मेला को लेकर गया रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए RPF ने तीर्थयात्रियों को डायल 139 की सुविधा दी है। इस नंबर पर कॉल कर यात्री हर गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जंक्शन आने जाने वाले रेल यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो 139 डायल कर सूचना दे सकते हैं। BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस दिन डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। 30 सितंबर को होने वाली BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले परीक्षा 21 सितंबर को होनी थी, जिसका एडमिट कार्ड आज यानी 14 सितंबर को जारी किया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग के बाद इस तारीख को आगे बढ़ाते हुए 30 सितंबर कर दिया गया। इसके लिए आयोग द्वारा 9 सितंबर को नोटिस भी जारी किया गया था। आयोग ने इस नोटिस में लिखा था कि BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in एवं ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर 20 सितंबर 2022 को अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अंतिम समय का इंतजार ना करें। बेगूसराय में हुए शूट आउट मामले में DG मुख्यालय का बड़ा बयान। बेगूसराय गोलीकांड में अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। DG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज यानी बुधवार को कहा कि घटना के पीछे किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाना लक्ष्य नहीं था। बाइक सवार अपराधी ने करीब 30 किलोमीटर के दायरे में राह चलते आम
लोगों को निशाना बनाया, इसलिए यह घटना न तो किसी खास व्यक्ति को गोली मारने से जुड़ा है और न ही लूटपाट से जुड़ा मामला है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का अपराधियों का मकसद नहीं था, न ही किसी से बदले की भावना से यह गोलीबारी की गई है। मालूम हो कि बीते दिन शाम 4 से 5 बजे के आसपास कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक की मौत तो वही 10 लोगों के घायल होने की खबर है। अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, साथ ही गश्त दल में शामिल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर से मिले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने सियासी हलचल पैदा कर दिया है। दरअसल खबर यह है कि बीते दिन देर शाम प्रशांत किशोर सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान पवन वर्मा भी मौजूद रहे और करीब 2 घंटे तक इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। कभी नीतीश कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेता रहे पवन वर्मा को बाहर कर दिया था, लेकिन समय ने करवट लिया तो एक बार फिर से पवन वर्मा काम के नेता बन गए हैं। वहीं पवन वर्मा ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री आवास ले गए और बैठक करवाई। कभी नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जदयू में शामिल करा, नंबर 2 की कुर्सी यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, फिर उन्हें पार्टी से अलग भी कर दिया था। इन लोगों की मीटिंग से अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है। तेजस्वी यादव ने कहा 2024 में सांप्रदायिक शक्ति होगी बाहर। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी समाजवादी एकजुट हुए हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। 2024 में सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता से बाहर कर दम लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू जैसे नेता बिरले जन्म लेते हैं, वे सच्चे समाजवादी थे, संघर्ष करते और कार्यकर्ताओं में जोश भरते थे। उन्हें मैन ऑफ मनरेगा के रूप में देश जानता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका आदर्श और सिद्धांत यादें हम सब के बीच अमर रहेगी, जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कैबिनेट बैठक के बीच से उठकर चल दिए कृषि मंत्री। महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एक और जहां कृषि अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक से उठ खड़े हुए। दरअसल बीते दिन महागठबंधन सरकार की तीसरे कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए सुधाकर सिंह बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। सुधाकर सिंह के कैबिनेट की बैठक के बीच से ही निकलने के बाद तरह तरह की सियासी अटकलें लगाई जाने लगी। जा रहा है कि बैठक में सुधाकर सिंह के अपने विभाग पर सवाल उठाए जाने के बयान पर चर्चा हुई, इसके बाद वे उठकर चले गए। हालांकि यह भी बताया गया कि सुधाकर सिंह जब निकले तब तक कैबिनेट की बैठक लगभग खत्म होने वाली थी। वहीं बैठक से निकलने के बाद सुधाकर सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले। वहीं चर्चा यह भी थी कि सुधाकर सिंह ने धमकी दी है कि नीतीश सरकार को कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सुधाकर सिंह ने इस बयान को खारिज कर दिया है। दर्द से तड़प रहे हैं अनिसुर रहमान। शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मामले की जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, जिसमें कार्रवाई भी की गई। एडीएम के सिंह को दोषी पाया गया। इस संबंध में ऐसी खबर है कि दरभंगा के बेनीपुर के रहने वाले अनिसुर रहमान शिक्षक दिवस से ही भूख अनशन पर हैं। अनिसुर रहमान का एक वीडियो बीजेपी बिहार ने ट्वीट के माध्यम से साझा किया है, जिसमें भाजपा ने लिखा कि यह वही अनिसुर रहमान है जो एडीएम पटना के लाठी से घायल हुए थे। आज तक ना बहाली हुई, ना एडीएम पर कार्रवाई कुछ मिला, तो सिर्फ बेइंतहा दर्द। नीतीश जी सिंहासन के नीचे दबी अपनी अंतरात्मा को थोड़ा और तो जगाइए। इस भविष्य के शिक्षक को और कुछ नहीं तो कम से कम न्याय तो दिलवाइए। ऑपरेशन चंदा में निपट गई बिहार की 9 पार्टियां। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की करीब 9 राजनीतिक पार्टियों की छुट्टी कर दी है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने देश की करीब 86 राजनीतिक पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया, यानी कि गैर सूचीबद्ध कर दिया है। इन्हीं में से बिहार की 9 राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। बीते दिन बिहार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजनीतिक पार्टियों में AIMS अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष, अति पिछड़ा पार्टी, अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा समेत अन्य पार्टियां शामिल हैं। ये दल अब चुनाव चिन्ह आवंटन की सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। डीलिस्ट किए गए पार्टी में चुनाव आयोग को चंदा, इनकम टैक्स समेत कोई भी ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया था, इस वजह से आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है। मौत के तांडव के बीच नीतीश सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बेगूसराय में हुई अंधाधुंध गोलीबारी के बाद से बेगूसराय के साथ साथ प्रदेश के लोग भी सहम गए हैं। इस कांड के बाद से नीतीश सरकार पर तो भाजपा और भी अधिक हमलावर हो गई है। इस बीच अश्विनी चौबे से लेकर गिरिराज सिंह तक सरकार पर उंगली उठा रही है। वहीं गिरिराज सिंह ने इस कांड के बाद आज बेगूसराय में बंदी का आह्वान किया। आपको बताते चले कि अश्विनी चौबे ने सरकार पर हमला करते हुए बोला कि नीतीश कुमार ने सत्ता के मुंह में बिहार की जनता को जंगलराज में धकेल दिया।
दिया है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय और बिहार में मौत के तांडव के बीच नीतीश सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। मुंबई इंडियंस ने जहीर खान और महेला जयवर्धने को दी ये बड़ी भूमिका। मुंबई इंडियंस ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान और श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को बड़ी भूमिका से नवाजा है। जहीर खान को ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट नियुक्त किया गया है, जो खिलाड़ियों के विकास की जिम्मेदारी निभाएंगे, और जयवर्धने को ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस नियुक्त किया गया है, जो कि दुनिया भर में ग्रुप के क्रिकेट संचालन में सीनियर नेतृत्व प्रदान करेंगे, जिसमें रणनीति बनाने से लेकर हाई परफॉर्मेंस इकोसिस्टम बनाना भी शामिल है। मालूम हो कि अब मुंबई इंडियंस के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास दो और विदेशी लीगों की टीमें हैं। मालूम हो कि मुंबई इंडियंस का विस्तार हो चुका है, जिसमें अब मुंबई इंडियंस के साथ एमआई अमीरात और एमआई केपटाउन भी शामिल है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी कि बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,108 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 102 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 52 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,18,535 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहां 97 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कलामुद्दीन अंसारी, रामाश्रेष पासवान, कुलदीप कुमार, शंकर मुखियानवर, करीम खान, कविता कुमारी, राजकुमार प्रसाद, मुच्चू रंगेला, लक्ष्मी मेहता और अहमद रुशदी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।